नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गरिमा अग्रवाल और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस YouTube चैनल में। बल्कि ये कहना चाहूंगी कि हमारे अपने इस दोस्ती से भरे हुए YouTube चैनल में तो आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। खुश होने से मुझे एक बात याद आई, एक होता है मी फैक्टर। मेरी लाइफ में तो मी फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या आपकी लाइफ में भी है? आइए तो आज हम बात करेंगे अपने इस नए टॉपिक पर, व्हाट इज मी फैक्टर। सो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक बिजनेस पर्सन हैं या आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप एक वर्किंग वुमेन हैं, मीन्स आप कुछ भी करते हैं जिंदगी में, अगर आपकी जिंदगी में मी फैक्टर नहीं है तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे आप दूर हैं, अनजान हैं। ये मी फैक्टर हमारी जिंदगी का वो समय है जब हम एनालाइज करते हैं। मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा कि ये बहुत जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम अपने पैशन को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम अपने आप को फॉलो करते रहें, मीन्स अपने ऊपर काम करते रहें, अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको ऐड ऑन करते रहें और अपने जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हम धीरे धीरे अपने ऊपर काम करके डिडक्ट करते रहें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। लेकिन व्हाट अबाउट दिस मी फैक्टर? अभी तक के जो मैंने वीडियोस में बताया वो मैंने कहा अपने ऊपर काम करना है। हाँ, हम काम अपने ऊपर ही कर सकते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको बहुत खूबसूरत लगे ब्ला ब्ला ब्ला, तो आप खुद पर काम कीजिए, खुद को बदलिए दुनिया के हिसाब से, मीन्स आप सामने वाले को नहीं बदल सकते। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़ा पॉइंट ये आता है कि आप सामने वाले को तो नहीं बदल सकते, लेकिन सामने वाले की जो सोच आपको पसंद नहीं आ रही है उसके हिसाब से उसको छोड़ दीजिए, उसको सोच लीजिए, उसको समझ लीजिए, तो शायद सामने वाले की बातें आपको चुभनी, पिंच होनी, या जो भी वर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं कि मुझे बुरा लग गया, मुझे फील हो गया, मुझे माइंड हो गया, उसने ऐसा मुझसे क्यों कहा, या उसको मुझसे ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए था, या ज़िंदगी में बहुत सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं कि मैं उसके लिए इतना करता हूँ या इतना करती हूँ लेकिन उसने मुझे फिर भी ऐसा कहा तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया। तो ये सब जो वर्ड्स हैं हमारी लाइफ की डिक्शनरी में, हर्ट होना, फील होना, महसूस होना, पिंच करना, चुभ जाना, इन सब को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमें बात करनी पड़ेगी मी फैक्टर की। हम सभी जानते हैं कि भगवान ने हम सबको एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाया है। मैं बात देखने की नहीं कर रही हूँ, देखने में तो अलग बनाया ही है, लेकिन साथ साथ हमारे जीवन शैली को सबसे सबका अलग किया है, हमारे सोचने का तरीका, हमारे आचरण का तरीका, हमारा व्यवहार, या सब कुछ हमारा कम्प्लीटली अलग है। जब हम एक दूसरे से अलग हैं तो मुझे ये बताइए कि हम इतनी उम्मीदें क्यों करते हैं सामने वाले से कि उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, या क्या उसको इस बात का सपना आ जाएगा कि आपको उसकी ये वाली बात अच्छी लग जाने वाली है या बुरी लग जाने वाली है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बात को दिमाग में बसा लीजिए, बैठा लीजिए कि सामने वाला आपसे जो भी बात कर रहा है या कह रहा है ये उसके सोचने का तरीका है, आपका नहीं। और यही कारण है कि आपको वो बात पसंद नहीं आती या आप उसकी बात से अग्री नहीं होते हैं। अब एक बात बताइए, अगर जिंदगी में उसकी बातें हमेशा सही थी और सही तरह से उसकी जिंदगी चल रही है उसकी उसी सोच के हिसाब से, तो वो तो अपने जगह ठीक हुआ ना, और उसी सोच में से एक बिंदु मात्र सलाह उसने निकाल कर आपको दे दी जो कि आपको पसंद नहीं आई, क्योंकि आप ना तो ऐसा सोचते हैं ना ऐसा करते हैं और आप हो जाते हैं हर्ट। तो गाइस, जिस मी फैक्टर की मैं बात कर रही हूँ उसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी में से ये जो हर्ट वर्ड है, HURT, हर्ट होना जो वर्ड है, मुझे बुरा लग गया, मुझे उसकी बात पर गुस्सा आ गया, मैं नाराज हो गई, इस सब को दूर करने में यकीन मानिए आपका बहुत बड़ा फायदा है। चलिए आज से कोशिश कीजिएगा, अपने इस टाइम फैक्टर को कैलकुलेट करके देखिएगा,
कि हम अपनी जिंदगी के इस छोटे से समय को, जितनी भी जिंदगी मिली है, सबके पास जीने के लिए सिर्फ 24 आवर्स होते हैं एवरी डे, राइट? तो हम अपनी जिंदगी के इतने छोटे से टाइम पीरियड में कितना सारा समय बाहर वालों को बांट देते हैं कि एक्स ने मुझे ऐसा कहा, उसे नहीं कहना चाहिए था, वाई ने मेरे साथ ऐसा किया, उसे नहीं करना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उस सब में टाइम को डिवाइड करने के बाद जो समय आपके पास बचता है, आई रिपीट, दिस इज द प्लेजर ऑफ गॉसिपिंग, इसको साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है प्लेजर ऑफ गॉसिपिंग, कि इसने आपको कुछ कहा, आप हर्ट हुए, अभी हर्ट होने पर यहां पर काम खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ इतना टाइम वेस्ट आपके लिए काफी नहीं था, आप यहां गए, यहां पर आप इनसे मिले, इनको आपने इसकी सारी बात बताई, तो वो जो यहां से प्रोसेस शुरू हुआ था वो यहां पर आपको बुरा लगा, वो माइंड में चला 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 चला, और फिर इनके पास जाकर जब आपने बताया तो फिर वो रिवाइज हो गया, और जब आप इनके पास जाकर उस बात को दोबारा बताएंगे तो वो रिवाइज हो गया, और फिर इनके पास जाकर जब आप उसको फोर्थ टाइम बताएंगे तो वो रिवाइज हो गया, और जब ये सर्कल प्रोसेस चल रहा था तो वो बातें जो आपके हिसाब से आपको बुरी लगी और इसको नहीं कहनी चाहिए थी, वो रोटेट कर रही हैं, मींस आप उसका रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन किए जा रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप अपने यूजुअल लाइफ के काम करते करते इस सब में फंस जाते हैं, खो जाते हैं, आपको खुद भी पता नहीं चलता। और पता ना चलने का नुकसान ये होता है कि आप होते तो अपने काम में हैं, लेकिन आपका जो दिमाग का कॉन्सेंट्रेशन है वो उस बात में पड़ा हुआ है, या आप तो खुश हो रहे हैं कि मैं अपने लिए योगा कर रही हूँ, या मैं तो जिम में वर्कआउट कर रही हूँ, या मैं जॉगिंग कर रही हूँ, जो भी आप लोग अपने आप को खुश रखने के लिए करते हैं। मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा कि अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को खुश रखना सीखिए। तो जो भी तरीका जिंदगी में आप लोगों ने अपनाया होगा अपने आप को खुश रखने का, आप आउटर मोड पर तो अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से, क्योंकि उसकी बात और उसकी बात आपके माइंड में लगातार चल रही है, आप उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आप किसी की भी बात को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और दिमाग से वो दिल तक असर कर जाती है या चली जाती है, तो वो आपकी जिंदगी का बहुत सारा इंपॉर्टेंट टाइम ले जाती है। टाइम ले जाए कोई बात नहीं, लेकिन टाइम के अलावा वो बात आपको स्ट्रेस दे जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। डू यू नो व्हाट इज स्ट्रेस? किसी भी एक थॉट का बार 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 चलते रहना इज नोन एज स्ट्रेस। तो अगर वो बात बार 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 आपके मन में, मस्तिष्क में चल रही है, तो इट मीन्स आप स्ट्रेस में हैं, और अगर आप स्ट्रेस में हैं तो फिर तो आप खुश रह ही नहीं सकते। सो दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, मी फैक्टर मीन्स अपने ऊपर तो काम आपने कर लिया, लेकिन इस दुनिया क्या करें, इन लोगों का क्या करें जो कुछ भी बोलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं आपके लिए सुटेबल है या नहीं है। तो दोस्तों, मेरी सिर्फ एक एडवाइस है, सबसे पहले एक तो खुद कसम खा लीजिए कि किसी को आप कभी सलाह नहीं देंगे। पॉइंट नंबर वन ऑफ मी फैक्टर, क्यों नहीं देंगे आप सलाह? हाँ, अगर सामने वाला आपसे ही मांग रहा है, आप उसके घर के बड़े हैं, आप उसके दोस्त हैं, आप उसके कलीग हैं, या आप उसके बहुत नजदीक हैं, और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, या आप अपना ओपिनियन दीजिए, अपनी सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, तब तो आपकी एडवाइस की कोई वर्थ है। लेकिन बिना मांगे सलाह बिल्कुल मत दीजिएगा। इसलिए मत दीजिएगा, जैसे सामने वाले की बात आपको पसंद ना आने का कारण ये है क्योंकि वो बात आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज योर लाइफ स्टाइल इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन। योर वे ऑफ लिविंग, योर वे ऑफ टॉकिंग, योर प्रोफेशन, योर फैमिली लाइफ, एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्सन। इसलिए उसकी बात आपको बुरी लग गई, लेकिन वो उसकी सोच थी, उसके लिए हो सकता है वो बात सही थी। तो जब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी बंदा आपको आपकी लाइफ में कोई एडवाइस ना करे, या फिर उसकी कही हुई बात आपके लिए सुटेबल नहीं होती, और आप
बुरा मान जाते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है मी फैक्टर में, दैट इज डू नॉट गिव द एडवाइस अननेसेसरली। आप जिंदगी में से हटा दीजिए कि आप किसी को सलाह देते हैं। पहले तो हमें खुद को करना चाहिए ना, जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। और रही बात अब वही जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि उसकी बात क्यों बुरी लग जाती है, क्यों हर्ट कर जाती है, क्यों चुभ जाती है, क्यों पिंच हो जाती है, इस सबसे बाहर निकलने का सिर्फ एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है, केवल इतना सा। सिर्फ इतना याद रखिए कि उसने जो सलाह दी या उसने जो बात कही, उसने अपनी जीवन शैली या अपनी फैमिली लाइफ या अपने फ्रेंड्स या अपने सर्कल, अपने जोनर के अकॉर्डिंग कही है। आपको ठीक नहीं लगती, तुरंत उसको दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए, डिस्ट्रॉय कर दीजिए। सिर्फ कहा ही तो है, जबरदस्ती तो नहीं किया ना, तो उसको उसी समय दिमाग से निकालकर फेंक दीजिए और कह दीजिए ना, ये मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट फॉर मी, मुझे ठीक नहीं लगता, बस फॉरगेट इट। और उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए। यकीन मानिए, अगर आप ये सोचेंगे, अपनी सोच इस तरह से तैयार करेंगे कि सामने वाला जो सलाह देगा, ऑब्वियसली वो उस सोच के साथ में देगा जो उसकी जिंदगी में चल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हाँ या ना, दिल से सोचकर, कि हम सामने वाले को वो सलाह देते हैं जैसा हमारी जिंदगी में उस समय चल रहा होता है, राइट? तो सामने वाला भी यही सोचकर सलाह देता है या कहता है या बोलता है जो उसकी जिंदगी में चल रहा होता है। तो आपको सिर्फ ये तैयारी करनी है कि सामने वाला अपनी सरकमस्टांसेस, अपनी फैमिली कंडीशंस और अपने हिसाब से आपको कुछ भी बोल गया तो क्या हुआ, दैट्स इट। आप भी तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, यकीन मानिए। जब आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी फैमिली, आपके दोस्त या आपका काम की जो बातें हैं वो चल रही होंगी, तो ये जो 24 आवर्स आपको मिले हैं, ये टाइम आपका डबल ट्रिपल हो जाने वाला है। जैसे दोस्तों, मैं मुंबई गई एक्ट्रेस बनने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर अपने जो स्कूल है एम इंटरनेशनल एकेडमी, उसको कम्प्लीटली स्टाफ के ऊपर छोड़ दिया। नो, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं मुंबई गई, उसके बाद से मैं अपने स्कूल्स पर ज़्यादा फोकस करने लगी, ज़्यादा ध्यान देने लगी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को इस तरह से सेट किया कि मुझे किसी की बातों का ना बुरा मानना है, ना बातों में पढ़ना है, ना ही गॉसिप्स करनी है। अपने जो 24 आवर्स हैं उनको मैंने डिवाइड किया, टाइम मैनेजमेंट किया, जिसमें मी फैक्टर बहुत ज़्यादा था, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। क्योंकि जब आप किसी नए फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चारों तरफ से बहुत सारी एडवाइजेज आती हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा कर लीजिएगा, ऐसा नहीं तो वैसा कर लीजिएगा, लेकिन मैंने जितना मुझे उसमें से लगा कि ज़रूरी है, मुझे समझना चाहिए, उतना अपने पास ट्रेजर करके बाकी सबको जाने दिया, लेट आउट करने दिया, लेट गो करने दिया। और थैंक गॉड, और मैं सिर्फ आपसे कह ही सकती हूँ, आपसे शेयर ही कर सकती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो प्रोवर्ब किसी ने लिखी थी, अ बिजी पर्सन हैज टाइम फॉर एवरीथिंग, वो मेरी लाइफ में 102% साबित की है। मैंने उसके लिए एफर्ट किए हैं, क्योंकि मेरे सारे काम टाइमली पूरे होते हैं, और ना ही मेरे पास स्कूल के लिए टाइम कम होता है, और ना ही मेरे पास एक्टिंग के लिए टाइम कम होता है, और फैमिली तो मेरे लिए है ही प्रायोरिटी। तो इस मी फैक्टर पर ज़रूर काम कीजिए, अपना दिमाग अपने लिए रखिए, अपनी ज़िंदगी अपने लिए रखिए, अपनी सोच विचार अपने और अपने परिवार के लिए रखिए, अपने काम के लिए रखिए, सिर्फ उस पर फोकस कीजिए और मी फैक्टर को अप्लाई कीजिए। मतलब कोई भी आकर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हैं, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि आप इतने समझदार हैं, आप इन बातों को समझते हैं कि सबकी लाइफ अलग होती है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है, भगवान ने ऐसा ही सिस्टम बनाया है, तो क्यों ना हम उसका आनंद लें, राइट?
तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय।